खबर सहारनपुर से। पुरानी मंडी गणपत सराय निमलता में हकीम अब्दुल लतीफ के मकान का कमरा आज सुबह 7:30 बजे भरभराकर गिर गया। लोहे का गाटर और लकड़ियों की छत नीचे गिर गई, जिसमें अब्दुल लतीफ की पत्नी अंजुम आरा और बेटा समीर दब गए। शोर होने पर पड़ोसी बहार जुबैरी नैयर जुबैरी और पड़ोसियों ने दोनों को मिट्टी कड़ियों के बीच से निकाला। अंजुम आरा की आंख और पांव में गंभीर चोटें आई हैं और समीर का सर फट गया। मौके पर पहुंचे पार्षद मंसूर बदसन ने एसटीएम सदर, तहसीलदार सदर और इलाके के पटवारी को सूचना दी और घायल की मरहम पट्टी करवाई। पार्षद मंसूर बदर ने जिला प्रशासन से मांगे की है कि इस परिवार की दयनीय आर्थिक दशा को देखते हुए तुरंत इनकी आर्थिक मदद की जाए। पार्षद मंसूर बदर की मांग पर तहसील सदर के कर्मचारियों अधिकारियों ने मौके का मुआवजा कर परिवार को आर्थिक मदद का आश्वासन दिया है। सब जी, आपका परिचय? मेरा नाम मंसूर बगर है और मैं यहाँ पार्षद हूँ नगर निगम चौकीदार। आज क्या पूरा मामला हुआ ये बताइए। आज यहाँ जहाँ हम खड़े हैं ये गणपत सराय नीम कला क्षेत्र है और सुबह 7:30 बजे इस मकान की छत भरभराकर नीचे गिर गई। ये हमारे हकीम अब्दुल लतीफ साहब का मकान है, इनकी पत्नी जिनका नाम अंजू मारा है और इनका बेटा अब्दुल समी, उन्हें काफ़ी चोटें आई, उनके आँख में चोट आई, पाँव में फ्रैक्चर हो गया, इस बच्चे के सर में चोट आई, टाके आए, इनके जो अंदर घर का सारा सामान था, फोल्डिंग था, कांच के बर्तन थे, ये सब लोग दबे हुए थे। पड़ोसी आए बाहर अहमद जुबैरी, तमाम लोगों ने इन्हें सुबह निकाला। मेरी एसडीएम सदर साहब से, तहसीलदार साहब से बात हुई और हमारी प्रशासन से मांगे हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहायता प्रदान की जाए जिससे ये अपनी रहने